हाय दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त योगेंद्र पवार। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल मिस्टर योगेंद्र पवार में। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल मिस्टर योगेंद्र पवार को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, इसको करने के बाद में पास में जो घंटी बटन है, इस घंटी बटन को भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक लेटेस्ट और ऑफिशियल वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो दोस्तों आपको समय पर उपलब्ध होता रहेगा। और दोस्तों, इसी प्रकार सबसे पहले आप वीडियो देख पाएंगे। तो दोस्तों, बढ़ते आज की लेटेस्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वैसे इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत दिनों से RPSC फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2018 की एग्जाम डेट आगे बढ़ने से संबंधित आपको न्यूज प्रदान की जाती है। इसी प्रकार आज भी फर्स्ट ग्रेड 2018 एग्जाम जुलाई 2020 धरना, तो दोस्तों जो धरना चल रहा था राजस्थान विश्वविद्यालय में, तो वो तो दोस्तों आज कैंसिल हो गया, क्योंकि पुलिस फोर्स ने उनको हटा लिया, जो बैरिकेड पर बैठे थे उनको हटा लिया। तो दोस्तों, आज एक और न्यूज़ निकल के आई कि एक महाधरना प्रदर्शन होगा, और दोस्तों वो होगा 23 नवंबर को, और स्थान आपके होगा वो SMS अस्पताल है जो जयपुर में, सवाई मानसिंह अस्पताल, वहाँ पे होगा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो जन नायक है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में होगा। मतलब ये अब साथ आ गए बेरोजगारों के साथ, अब बहुत से बड़े नेतृत्व थे ही थे, लेकिन अब दोस्तों जो एक आप कह सकते हो कि बहुत ही, ये भी बहुत बड़े नेता है, और ये अगर साथ आए तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। जयपुर आओ, डेट बढ़ाओ। दोस्तों, डेट है वो कब बढ़ेगी, जब आप सब एकजुट होंगे, एकजुट होकर आप साथ आओगे, तब आपकी डेट बढ़ सकती है। और दोस्तों, कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इनका लोगो लगाया है, और लोगों के पास में मैंने लिखा भी है, जयपुर आओ, डेट बढ़ाओ, माँ धरना प्रदर्शन 23 नवंबर 2019, परीक्षा जुलाई 2020, SMS अस्पताल जयपुर। दोस्तों, स्थान है वो SMS अस्पताल जयपुर, और दोस्तों डेट है वो 23 नवंबर। मतलब आपके पास कल का दिन और है, आप जो नज़दीक में रहते हैं जयपुर के पास में, वो दोस्तों आ सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन होगा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में। तो दोस्तों, ये है। तो दोस्तों, एक और दिन मैं आपको बताऊंगा इसमें। RPSC वैकेता भर्ती 2018 परीक्षा तिथि आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, चलो जयपुर, चलो जयपुर। जन नायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के नेतृत्व में RPSC वैकेता भर्ती 2018 की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने के लिए विशाल धरना प्रदर्शन महापड़ाव। आप सभी से निवेदन है कि दिनांक 23 नवंबर 2019 शनिवार को प्रातः 8 बजे भारी संख्या में जयपुर SMS हॉस्पिटल के सामने जरूर पधारे। दोस्तों, जयपुर जो SMS हॉस्पिटल है, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, उनके सामने जो इनका बंगला है, वहाँ पे 8 बजे सभी उपस्थित हो गए। ये एक आदेश निकाला गया, निवेदक RPSC वैकेता भर्ती समस्त बेरोजगार एवं शिक्षक संघ राजस्थान। दोस्तों, शिक्षक संघ है वो भी इनके साथ है, और वो भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो मतलब बहुत से बेरोजगार है जो डेट बढ़ाने के पक्ष में, वो आप जयपुर आ सकते हो। दोस्तों, मैं खुद भी पक्ष में हूँ डेट बढ़ाने के, लेकिन दोस्तों मैं नहीं आ सकता, कुछ कारण है। और दोस्तों, आप अगर जयपुर के पास, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत से दूर वाले वो भी आए दोस्तों, लेकिन जो जयपुर के पास में और जयपुर सिटी के प्रॉपर है, वो इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की इच्छा रख रहे हो, आशा रख रहे हो, तो दोस्तों अब आऊँगा तभी ये धरना प्रदर्शन सफल हो पाएगा। तो आप जरूर पधारें 23 नवंबर को, आपके पास कल का समय और है। और एक और है कि 23 तारीख शनिवार को ज़्यादा से ज़्यादा जयपुर SMS हॉस्पिटल के सामने आए, किरोड़ीलाल मीणा जी हमारे साथ है, उस दिन बड़ा आंदोलन है, अधिक से अधिक संख्या में लोग आए, अब तक तो सब छुपे पड़े हैं। 7 दिन से हमारी टीम इस कार्य में लगी हुई है, कल सारे दिन सारी रात धरना दिया, पर सरकार में पुलिस भेजकर हमें वहाँ से हटा दिया, फिर आज किरोड़ीलाल मीणा जी के या माँ पड़ाव दिया, तो वो हमारे साथ लड़ने को तैयार हुए। अब केवल 100 या 200 से कुछ नहीं होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचना होगा, तब हम लोग अपनी बात को सरकार से मनवा पाएंगे। हाँ जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ है, उन्होंने कहा अगर तुम सब एक साथ आओ तो मैं सोमवार को ही नोटिफिकेशन जारी करवा दूंगा। दोस्तों, इन्होंने ये बहुत ही बड़ी बात कही है, क्योंकि आप मान सकते हो बहुत ही बड़े नेता है, और पूर्वी राजस्थान के आप कह सकते हो बहुत ही बड़े नेता है। दबाव जरूरी है, पर वो बनाया जाता है भीड़ से। तो जो भी कोचिंग संस्थान वगैरह, वो सब एक साथ है, सभी लीडर साथ है। वो कुछ लोगों द्वारा अफवाह फैलाई गई थी जो जनवरी में एग्जाम करवाना चाहते थे, अफवाह पर ध्यान न दें और 23 तारीख को आए। दोस्तों, ये बेरोजगार संघ द्वारा एक आदेश निकाला गया है। तो आप जो डेट बढ़ाने के पक्ष में है, वो दोस्तों जरूर पधारे। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत दूर से आए, लेकिन जो जयपुर के पास रहते हैं वो आए तो ज़्यादा फायदा हो सकता है उनके। केवल व्हाट्सअप और यूट्यूब पे आप वीडियो देखेंगे ये अलग बात है, लेकिन दोस्तों जाओ तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है आपके। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जो बढ़ाने के पक्ष में, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भीड़ में एकत्रित होवे। और दोस्तों, जो तैयारी कर रहे हो उनके लिए मैं कोई नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तैयारी करे, वो आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन मैं उनके लिए, आप ये मत सोचो कि जो तैयारी कर रहे हो उनको मैं गुमराह कर रहा हूँ। बस ये कहूँगा कि जो डेट बढ़ाने के पक्ष में, वो जयपुर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़,
इसी प्रकार के आप फर्स्ट गेट भर्ती 2018 के एग्जाम डेट से संबंधित पल पल की अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे चैनल मिस्टर योगेंद्र पाव को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों पास में जो बेल आइकन का बटन इसको भी आप दोस्तों प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो दोस्तों आपको मिलता रहेगा और सबसे पहले वीडियो देख पाएंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।